सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, जहां पे हमने लास्ट टाइम वीडियो अपना क्लोज किया था. अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स. इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर मस्ट बी चोजन इफ द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय. सेक्रेटरी पे कंडीशन लगी हुई है एंड द ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल. अगेन दिस इज अ कंडीशन. तो ट्रेजरर चूज करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे? 40 वेज, बिकॉज ट्रेजरर मस्ट बी अ गर्ल, दैट इज 40C1. सेक्रेटरी चूज करने के लिए 60 वेज, दैट इज 60C1. अदर टू, दैट मीन्स प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट को हम 98 तरीके से चूज कर सकते हैं और वाइस प्रेजिडेंट को 97 तरीके से, बिकॉज ये दो लोग तो इधर आ गए ना 100 में से. 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98. तो टोटल वेज कितने हो गए? 40 × 60 × 98 × 97, दैट गिव्स अस 2 2 8 1 4 4 0 0. दिस इज द आंसर. लेंदी है पर क्या करें. क्वेश्चन नंबर 14, गिवन 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होइस्टिंग द फ्लैग्स ऑन अ वर्टिकल पोल वन बिलो द अदर इफ ईच सिग्नल रिक्वायर एटलीस्ट 4 फ्लैग. तो सिग्नल बनाने के लिए या तो हम 4 फ्लैग का यूज करेंगे, या हम 5 फ्लैग का यूज करेंगे, या हम 6 फ्लैग का यूज करेंगे. कितने फ्लैग्स में से? 6 फ्लैग्स में से. तो 6 में से या तो आप 4 चूज करेंगे और अरेंज करेंगे, 6 में से हम 5 भी अरेंज कर सकते हैं, और 6 में से हम 6 के 6 अरेंज कर सकते हैं ऑन अ वर्टिकल पोल टू मेक द सिग्नल. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्योंकि अरेंज करना है तो परम्यूटेशन लगेगा. 6P4 प्लस 6P5 प्लस 6P6. तो 6P4 हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा? हमने आपको बताया था 6P4 का मतलब ये हुआ कि 6 × 5 × 4 × 3, ये 4 डिजिट्स ले ली. तो 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 3, दैट इज इक्वल टू 360. 6P5 का मतलब क्या हुआ? 6 × 5 × 4 × 3 × 2, 5 डिजिट्स हो गई, तो 720. 6P6 × 1 भी आ जाएगा, तो सेम आंसर आएगा 720 इधर. तो रिजल्ट कितना आ गया? 1800. तो इतने तरीके हैं ऑफ मेकिंग अ सिग्नल इन विच एटलीस्ट 4 फ्लैग्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 4, 5, 7 इफ रिपीटिशन इज अलाउड, और सेकेंड है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देख रहे हैं यहाँ पे, रिपीटिशन अलाउड भी देखेंगे. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो इसमें क्या होना चाहिए? वन डिजिट नंबर भी हो सकता है, इससे छोटा क्या नंबर हो सकता है? वन डिजिट का नंबर भी हो सकता है, टू डिजिट का भी हो सकता है, और थ्री डिजिट का भी हो सकता है. वो सारे नंबर्स क्या होंगे? 1000 से लेस होंगे. कंडीशन है रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो वन डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? ऑड नंबर. ऑड नंबर दैट मीन्स या तो 5 होगा उस नंबर में, या 7 होगा. तो दो तरीके हो गए, आइदर दिस, या हो सकता है वो टू डिजिट नंबर बन जाए. तो टू डिजिट्स को फिल करने के लिए जो लास्ट प्लेस होगा इन नंबर्स में से, या तो 5 आएगा 7 आएगा, तो टू प्लेसेस, दो तरीके से तो हम ये यूनिट प्लेस फिल कर सकते हैं. टेंथ प्लेस में आ जाते हैं, तो 10th प्लेस को फिल करने के, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, तो हमारे पास दो तरीके बचते हैं. 0 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो 4 या दो और नंबर आ जाएंगे. दैट मीन्स इट कैन बी फिल इन टू वेज, नॉट 0. तो ये हो गया 2 × 2, दैट इज 4 वेज. अगर ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर हम कैसे बनाएंगे? व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड और ऑड नंबर बनाना है, तो लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज बाय 5 और 7. इन दो प्लेसेस के लिए फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा आंसर डिफर होगा. केसेस यहाँ बनाए हुए हैं. केस वन, अगर हमारे पास मिडिल में 0 आता है, तो जो फर्स्ट प्लेस है, दैट मीन्स 100th प्लेस, इट कैन बी फिल्ड इन टू वेज, राइट? एग्जाम्पल बोल देता हूँ. अगर यहाँ पे आ गया 5, मान लिया यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे क्या आंसर? यहाँ पे तो 0 आ गया. अब कितने बचे? आइदर 0 और 4. तो दो तरीके ये हो गए, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं. फिर सेकेंड केस है कि अगर ये जो बीच वाली पोजीशन है, 10th पोजीशन है, इस पे 0 ना आए, एक नॉन जीरो नंबर आ जाए, तो लास्ट प्लेस इन टू वेज, 10th प्लेस इन टू वेज, और यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली वन वे विल बी देयर, क्योंकि 0 भी है ना, तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है, ये 0 तो हो नहीं सकता. तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 × 2 × 1, दैट इज 4 वेज. तो
तो अगर हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो हमारे पास कितने वेज हो गए 3 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए? 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास ऑफ क्रिएटिंग अ ऑड नंबर लेस देन 1000? दैट इज 2 + 4 + 8 एंड दैट गिव्स अस 14। तो इसका आंसर आ गया 14। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, रिपीटिशन इज अलाउड। तो वही बात, वन डिजिट नंबर इट कैन बी फिल्ड इन टू वेज। टू डिजिट नंबर ऐसा हो गया तो ये प्लेस तो हम दो तरीके से फिल कर पाएंगे, और क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, जीरो नहीं आएगा। थ्री डिजिट नंबर अगेन लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज ओनली, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। इस प्लेस को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, आइदर बाय 0 और बाय 4 और बाय 5 और बाय 7। और इस प्लेस में 0 तो नहीं आ सकता, तो इसे हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 × 4 × 2 दैट इज 24। तो एक रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास कितने तरीके हो गए एक 3 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए, विच इज़ ऑड नंबर? 24 + 6 + 2 एंड दैट विल गिव अस 32 वेज। सो दिस फिनिशेज एक्सरसाइज 7.2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब।